हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत होगा। वेल दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी। जी हां, यहां के लोगों के बीच में चाय पीना है सबसे ज्यादा पॉपुलर काम। बात बात में यहां पर कप भर चाय पी ली जाती है। इस देश में 99% लोग एक ही मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्री धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां के लोग नॉनवेज को मसाला मारकर कम और मिठाई के तौर पर ज्यादा खाते हैं। जी हां, इसी देश में चिकन की मिठाई बनाई जाती है। जी हां दोस्तों, यहां की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी खूबसूरती को देखकर कोई भी दीवाना बन जाए। दोस्तों, आज हम आपको तुर्की देश के बारे में कुछ रोचक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की कुल आबादी है 8.5 करोड़ के आसपास और ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली देश की सूची में 17वें नंबर पर है। ये देश 7,69,630 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की डेंसिटी 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस देश के 85% लोग शहर में तो केवल 15% लोग गाँव में रहते हैं और तुर्की देश की औसतन उम्र इस समय है 32 साल। दिस कंट्री इज लुकिंग वेरी यंग। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की को कहा जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। जी हाँ, कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा देश है जो कि दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया में है तो एक हिस्सा इनका यूरोप है। इस देश का बॉर्डर ग्रीस, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया के साथ है। साथ ही नॉर्थ में ब्लैक सी मौजूद है। वैसे तो दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको बहुत अलग अलग तरह की पक्षियां देखने को मिल जाती हैं। यही है तुर्की की खासियत। दोस्तों, क्या आपने इस्तांबुल की खूबसूरती के बारे में सुना है? जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि दुनिया का इसे सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है। यहाँ की हर लोकेशन हद से ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस शहर में जितने भी मस्जिद है उसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुर्की देश के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं? जी हाँ, यहाँ के लोगों की आदत होती है कि अपना प्यार या गुस्सा सब कुछ सोशल मीडिया पर भी निकालते हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की देश के लोग 3रे नंबर पर आते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि तुर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी ये देश धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तुर्की में अभी भी सेक्युलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। Well, दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप से मिलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप से मिलता है। जी हाँ, यहाँ के लोगों की सोच बहुत यूरोपियन है। कहते हैं कि चूंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों की सोच एंड लाइफस्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। फ्रेंड्स, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने बाजारों में से एक है और सबसे बड़ा भी। अंदाजा लगाइए यहाँ कितने दुकानें होंगी। दोस्तों, ग्रैंड बाजार में कुल 4,000 दुकानें हैं। ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर आप दिल खोलकर बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्या बात है, ये हिंदुस्तान का पालिका बाजार की तरह ही है। यहाँ पर अगर कोई आपसे किसी भी सामान का रेट 500 रुपए बोले तो आप उसे कम से कम 100 रुपए तक में खरीद सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं, बताइए जनाब। जरा बता रहे हैं, वाह क्या बात है, बताइए बताइए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको यही बता दूं कि तुर्की देश अपने मसालों के लिए भी दुनिया भर में बहुत फेमस है। जी हाँ, यहाँ पर खूब सारी वैरायटी के मसाले मिलते हैं। कहते हैं कि इस देश में जो भी जाता है घूमने के लिए वो यहाँ से मसाले जरूर खरीदता है। यहाँ से दुनिया के तमाम देशों में मसाले का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नॉन वेज स्वीट के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा ना, लेकिन आपको बता दूं कि तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर की चिकन का इस्तेमाल करके स्वीट बनाया जाता है। जी हाँ, ये है यहाँ की खासियत। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में चिकन स्वीट्स कहने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि तुर्की देश बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां भी हद से ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। जी हाँ, दुनिया में जब भी अट्रैक्टिव गर्ल्स का नाम आता है तो उसमें तुर्की देश का भी नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं कि यहाँ की कई सारी महिलाएं दुनिया में टॉप क्लास की मॉडल बनी हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को देखकर किसी को भी प्यार हो सकता है। इस देश में अगर कभी जाना हुआ तो अपने दिल को जरा संभाल कर रखिएगा। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही होगा कि यूरोप के लोग कॉफी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से हुई थी। जी हाँ, कई बड़े राजा महाराजा के साम्राज्य का इस्तांबुल राजधानी रह चुका है और ये शहर शुरू से ही बहुत डेवलप्ड है। तो दोस्तों, ये थे तुर्की देश से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।